गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं कि क्या परफेक्ट मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है। एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट। आई थिंक इट्स परफेक्ट। ठीक है, कैसे हो आप सभी? बढ़िया एकदम से। ठीक है, अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, लाइव को लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को समझ में आ जाए। ना भैया, आ चुके हैं मेरे बच्चे। ठीक है, तो बहुत तगड़ी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ये लेक्चर है सीए और सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। अकाउंट्स का ये लेक्चर है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में होने वाला है। लेक्चर नंबर 1 है, पूरा आपका अकाउंट्स यहाँ पे फ्री में करवाया जाने वाला है। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते। यस, इट्स परफेक्ट, लाउड एंड क्लियर। ओके, लेट्स गो, शुरुआत करते कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। मैं यहाँ पे बुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बैकग्राउंड में थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको मिक्सअप ना लगे। ठीक है, चलो आ जाइए। अब अपन आज किसकी बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बटे कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन के बारे में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है, जब भी हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे सबसे पहले ये देखेंगे बेटा कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों है, मतलब ये पढ़ना क्यों जरूरी है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि आपको यू क्यों करना है, तब तक आप वो काम नहीं करोगे। जैसे कि आप किसी को फॉलो क्यों करते हो? गर्लफ्रेंड बनानी है भाई, ठीक है, एक मकसद होता है ना। तो कोई मकसद के बिना आप कोई काम करते हो? नहीं करते हो, मेरे को सब पता है। अब मकसद के बिना कोई काम नहीं करते, और हम तो यार प्रोफेशनल स्टूडेंट है, हम मकसद के बिना ना एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे हम पहले मकसद जानेंगे कि ये चैप्टर क्यों है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शुभांगी, निशांत, मैं एक बार यहाँ पे कमेंट्स भी आपकी देख लेता हूँ, कितने स्टूडेंट्स अपन आ चुके हैं। संजय, शिवम, नंदिनी, विशाल, संजय, चंचल, मीनू, ख्याति, नीलाक्षी, ब्लेज, पवन, संचित। ठीक है, आई होप आपका लेक्चर खत्म हो चुका है ना। ठीक है, चलो आ जाइए, शुरुआत करते। तो कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन की अगर अपन बात करें बेटा, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन हमें पढ़ना क्यों जरूरी है? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर कोई भी पर्सन बिजनेस करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? दो तरीके के ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 में आते हैं, बेसिक से चीज है। हम बिजनेस क्यों करते हैं बताइए मुझे, मैं आपकी कमेंट्स यहाँ पे लाइव पढ़ रहा हूँ। हाँ, एक तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और दूसरा कौन सा होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। एंड दूसरा कौन सा होता है? हेलो अचिन, ओके विशाल, ऋतिक, ठीक है, दूसरा अपना होता है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ। ठीक है, अगर अपन बात करें प्रॉफिट को अर्न करना, यस, सुपर। और दूसरा आपका क्या होता है बेटा? दूसरा आपका होता है कि आपका मैक्सिमाइज द वेल्थ। अगर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको कौन दिखाता है? प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाता है भैया पीएनएल अकाउंट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा। इसको हम परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अगर अपन बात करें कि आपको, ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर आपको वेल्थ कौन दिखाता है? वेल्थ कितनी है आपकी? वेल्थ आपको दिखाता है बैलेंस शीट। ठीक है, सुपर। और इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऋतिक, संजय, विशाल, ऋतिक, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं भैया परफॉर्मेंस की जगह हम इसे क्या बोलते हैं, किसी को पता है क्या? पोजीशन, सुपर, क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका दिखाता है पीएनएल, जो दिखाता है आपका परफॉर्मेंस। अगर कहीं पे भी आपको वर्ड यूज किया जाता है एग्जाम में परफॉर्मेंस, यानी आपको समझना कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है। पोजीशन की बात करें तो आपको ये समझने का बेटा कि यहाँ पे आपकी बात हो रही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बैलेंस शीट के बारे में बात की जा रही है। सुपर, संजय, चंचल, सॉरी, यस, ऋतिक, विशाल, ठीक है, अचिन, थैंक यू सो मच। ठीक है, अपने को इतना तो समझ में आता है। अब अपन बात करें तो कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन ये अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड किए जाते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल में, और कुछ ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे डायरेक्टली बैलेंस शीट में। यानी कि कुछ ट्रांजैक्शन प्रॉफिट एंड लॉस को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन इंपैक्ट नहीं करने वाले। जैसे कि यहां पे मैं अगर आपको बताऊं बेटा, अगर मैं आपको यहां पे बताऊं तो अगर अगर
सबसे पहले अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस चाहिए तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ठीक है। मैं क्या बनाऊंगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं क्या क्या चीजें लिखता हूँ? सबसे पहले इधर क्या लिखता हूँ बताओ मेरे को, ठीक है? क्या लिखता हूँ मैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखता हूँ? यस शुभम, ओपनिंग स्टॉक अपन लिखते हैं। हाँ यस, ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। फिर अपन लिखते हैं परचेज, ठीक है, माइनस परचेज रिटर्न। फिर अपन करते हैं, इतना करने के बाद अपन करते हैं परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, या उसे डायरेक्ट एक्सपेंस भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा सेल, मुझे कोई ये बताएगा सेल किस वैल्यू पे दिखाते हैं? सेल वैल्यू, कॉस्ट, या फिर कॉस्ट और एनआरवी, व्हिच एवर इज लोअर। हाँ, फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी आते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आते हैं, इसका बताइए मुझे, ठीक है। कितने? सेल वैल्यू पे। सुपर, ये बताते हैं अपन सेल वैल्यू पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे दिखाते हो, किसी को बताया क्या? ये वैल्यू कौन सी होती है बताइए। हाँ वेजेस भी आ जाएगा, शिवम, देव, विशाल, नहीं विशाल, बुक वैल्यू मतलब सेल वैल्यू पे दिखाते हैं बेटा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अपन किस पे दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अपन दिखाते हैं, किसी को पता है तो बताओ। यस, कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है, विच एवर इज लोअर, इस पे अपन दिखाते हैं, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि सेल के अलावा भी गुड्स का जा सकता है ना, कोई भी अदर तरीके से फ्लो हुआ, कौन सा हो सकता है? कोई रीजन बताइए कि अदर तरीके से अगर आपका गुड्स का फ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, बताइए। हाँ बताइए कौन सा ऐसा है। हाँ जैसे कि परफेक्ट चल रहा है ना। हाँ अभी जैसे कि अगर मैं बात करूं बेटा, आपका ड्राइंग्स का हो गया, ठीक है, थेफ्ट हो गया, ठीक है, तो आउटफ्लो ऑफ अ गुड्स अदर देन, आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल, ठीक है, अदर देन सेल, इसको अपन किस वैल्यू पे दिखाते हैं? हाँ ये नोट्स आपको ग्रुप में चाहिए, ठीक है, आपको मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, ठीक है। इसको अपन कौन सी वैल्यू पे दिखाते हैं? इसको अपन दिखाते हैं ऑलवेज एट कॉस्ट दिखाते हैं, ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग का पर्पज होता है। अब सिंपल सी बात है, इसके बाद अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। यहां पे आपका दिखेगा बेटा जीपी, अरे सॉरी, इसके बाद अपन बनाएंगे पीएनएल, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपका बनाएंगे पीएनएल, हाँ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जाएगा, सब वहीं पे आएगा। अब यहाँ पे आएगा आपका बेटा जीपी, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा यार जीपी आ जाएगा, ठीक है। जीपी आने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे? एक्सपेंसेस लिखोगे, आप यहाँ इनकम लिखोगे, और यहाँ पे आपका बनेगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपको ये सीखना, ये ट्रांजेक्शन, ये चैप्टर सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ट्रांजेक्शन को एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे, अगर एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे तो दैट विल डायरेक्टली इंपैक्ट टू योर प्रॉफिट एंड लॉस, आपके डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करेगा? हिट करेगा। अगर आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर आपने उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया तो वो आपके प्रॉफिट को क्या करेगा? कम करेगा कि बढ़ाएगा? यस सुबह, क्या करेगा? उसको प्रॉफिट को कम करेगा, ठीक है। वही रिपेयर एंड मेंटेनेंस अगर आप असेट में लेके गए तो क्या कोई इंपैक्ट होगी प्रॉफिट एंड लॉस में? नहीं होगी भैया, क्योंकि वो सीधा बैलेंस शीट में जा रहा है। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको ट्रांजेक्शन को ट्रेडिंग में दिखाना है या फिर ट्रेडिंग पीएनएल में दिखाना है या फिर बैलेंस शीट में दिखाना है। आपका ये जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, कैपिटल नेचर के जो ट्रांजेक्शन है वो आपके बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन आपके कहां पे दिखाते हैं भैया? आपके दिखाते हैं पीएनएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट में अपन दिखाते हैं। तो कौन से ट्रांजेक्शन को हम रेवेन्यू बोलेंगे, कौन से को कैपिटल बोलेंगे? सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बता दूं एक चीज में, अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं, ठीक है, पहले एक काम करो, अगर आपको ये पीएन ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो इधर, अगर आपको बनाना है, ठीक है, तो आप बना सकते हो। क्या आपको बनाना है मुझे बताइए, क्योंकि पीएनएल बनाने की जरूरत मेरे को नहीं लगती, ट्रेडिंग का भी इसीलिए क्योंकि ये वैल्यू आपको पता हो या ना हो, ये वाली और ये वाली, दो चीजों के लिए। क्या आपको बनाना है बेटा? यस नो बताइए। आपको हेडिंग डालना है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल अकाउंट, परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, ये तो लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ट्रेडिंग बनाना है,
या नहीं, जल्दी से बना लीजिए, ठीक है, जो भी आपको जितना भी लिखना है, लिखने के बाद मुझे डन बताइए। ट्रेडिंग बनाने की जरूरत, जिनको बनाना है फटाफट से बना लीजिए, क्योंकि आपको ये अमाउंट पता होनी चाहिए कि कैसे लिखते हैं अपन। ये ऑलवेज आपका खर्चा आएगा एट अ कॉस्ट। 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट में खत्म करिए बेटा, 2 मिनट में लिख लीजिए इतना, ठीक है। गुड मॉर्निंग कौशिक, लिखा है सर जी, हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया। अल्लाह, स्क्रीनशॉट लेते रहोगे जिंदगी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ही लेते रहोगे क्या, लिखना नहीं है क्या, ऐसा कैसे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत गर्मी लग रही है भाई। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। आप ना बड़े बड़े अजीब इंसान हो, ठीक है, बड़े अजीब इंसान हो। अगर अभी वो लव लेटर वाला जमाना होता, ठीक है, और अगर आपको अपनी क्रश को, अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिखना होता, तो ना पन्ने भर देते, पूरी बुक खत्म कर देते। यहाँ पे एक पेज लिखने को बोला, बोल रहे सर स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। सबकी हरामी पंती दिख रही है मेरे को, ठीक है, श्योर देव। हाँ मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, अभी पूरा ही पढ़ लो ना, एक सेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो ये आपने लिख लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, इतना अपन ने लिख लिया। चलो आ जाइए, अगर अपन में बात करें बेटा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम कुछ रूल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रूल्स टू डिसाइड, ठीक है, टू डिसाइड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, कुछ रूल्स है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपने ट्रांजेक्शन को डिसाइड कर सकते हो। क्या किसी को याद है कि कौन से रूल्स होते हैं, अगर किसी को पता है, अगर ऐसा है कि नहीं सर मेरे को पता है बताइए, ठीक है, ओके। सबसे पहला कौन सा था, नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, सबसे पहला अपना कौन सा था बेटा, नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है, रुको इधर भाई, पीडीएफ में इंपोर्ट कर लो एक बार, रिकरिंग नेचर, सुपर्ब सुपर्ब, मैंने लिखवाए थे, मैंने ये लिखवाया हुआ है, ठीक है, मैंने ये लिखवाया हुआ है, फिर भी मैं एक बार आपको, जिनका फॉस से कर रहे हैं, ठीक है, उनको शायद ये नहीं पता होगा, इसीलिए हम लिखवा फिर से लिखवा देते हैं एक बार, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले अपना कौन सा बेटा, नेचर ऑफ द बिजनेस। अगर मैं नेचर ऑफ द बिजनेस का एग्जांपल दूं, नेचर ऑफ द बिजनेस, उसका सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे दूं, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बेटा फर्नीचर वाले के लिए, जो वो फर्नीचर बेचता है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है कि असेट है बताइए मेरे को। अगर फर्नीचर वाला वो असेट को बेच, वो फर्नीचर को बेच रहा है, उसके लिए क्या है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है बेटा, उसके लिए क्या है, वो गुड्स है, क्योंकि जिसका वो धंधा करता है, जो परचेस करना है टू सेल, जो परचेस करता है टू सेल, उसको बोलते हैं गुड्स। तो उसके लिए वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, कहां पे रिकॉर्ड करते हैं परचेस को, ट्रेडिंग में, यानी ये कौन सा हो जाएगा भैया, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और वही चीज अगर मैं अपनी बिजनेस चला रहा हूं, ठीक है, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूं, मोबाइल शॉप चला रहा हूं, तो उसमें अगर मोबाइल शॉप पे मेरे को फर्नीचर चाहिए टू शो दी ऑल मोबाइल्स, तो वो मैंने परचेज किया टू यूज, ठीक है, वो फर्नीचर मैंने परचेज किया यूज करने के लिए, बेचने के लिए नहीं, तो वो मेरे लिए हो जाएगा क्या, हो जाएगा असेट हो जाएगी, और वो बैलेंस शीट में जाएगा, उसे हम बोलेंगे कैपिटल नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे नेचर ऑफ द बिजनेस बहुत मैटर करता है, कि आपका बिजनेस कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो कैपिटल में जाएगा या फिर आपका रेवेन्यू में जाएगा। सेकेंड वाला अपन, सेकंड वाला क्या था भैया, रिकरिंग, ठीक है, रिकरिंग नेचर की बात करेंगे,
ठीक है, रिकरिंग नेचर की बात करते बेटा। अगर मैं रिकरिंग नेचर की बात करूं तो रिकरिंग यानी कि उसका मतलब ये होता है कि, रिकरिंग का अगर मैं मतलब आपको लिखवाऊं तो यहां पे ये होता है कि इनकर अगेन एंड अगेन, ठीक है, मतलब बार बार वो इनकर होता है। जैसे कि आपका सैलरी हर महीने आपको देना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल आपको लेना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर अपन बोले कि लोन का इंटरेस्ट, ठीक है, रेंट हो गया, वेजिस हो गया, ये सब एक्सपेंसेस कौन से, जो अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सब चीजें इनकर होती ही रहेगी, तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। जो रिकरिंग नेचर का होगा उसे हम क्या बोल देंगे, इनकर होता रहेगा, उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन बोलेंगे। थोड़ा सा सही सा लिख लेता हूं आपको समझ में भी आए, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो रिकरिंग नेचर और नॉन रिकरिंग, जैसे कि आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिलना, ठीक है, क्लेम मिलना, लोन लेना, ठीक है, आपने लोन लिया, असेट परचेज करी, वो सब चीजें कौन सी है, क्या वो आप रोज बरोज करते हो, नहीं बेटा वो रोज बरोज नहीं करते हो, ठीक है। इनकर फ्रीक्वेंटली होता है, वो रिकरिंग नेचर में जाता है, यानी कि रेवेन्यू नेचर में, जो अगेन एंड अगेन इनकर होता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और जो नहीं होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि पर्पस ऑफ द एक्सपेंस, purpose of the expense, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैंने अगर अपनी बाइक सर्विस पे दी, ठीक है, अभी भैया हमारी AGS है कि आपने भी सोचा होगा कि सर एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ठीक है, और एक स्पोर्ट्स बाइक जैसी मस्त गर्लफ्रेंड भी चाहिए, बट उसके लिए पहले स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, ठीक है। तो आपने सोचा कि सर मेरे को ना स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, आप एकदम से फुदकते फुदकते अपने पापा के पास गए, पापा पापा मेरे को बाइक चाहिए, ठीक है। पापा ने दो दिए कान के नीचे, बट बाइक तो दिला दी, टेंशन नहीं, ठीक है, तो बाइक आपको दिला दी। अब कुछ टाइम के बाद ऑब्वियसली आपके बाइक को सर्विस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको उसको चकाचक अगर रखनी है तो आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। ये सीए फाउंडेशन के कौन से बुक में है, आपका है बेटा चैप्टर नंबर 1, आपका यूनिट है 4, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 4, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। एक मिनट रुको, ये सी और सीए में दोनों के लिए है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है। यहाँ पे मैं ना भैया थंबनेल में लिखना भूल गया हूँ, मैं उसको एडिट कर दूंगा, और अब जो नेक्स्ट जितने भी सेशन है ना मैं पहले से शेड्यूल कर दूंगा, तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, तो आपको ऑटोमेटिक जैसे ही लाइव होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। बस ठीक है, अकाउंट्स की बुक में, यस अकाउंट्स की बुक में बेटा, चैप्टर नंबर 1 यूनिट 4, ठीक है। चलो आ जा, अभी अपन बात करते हैं पर्पस ऑफ द एक्सपेंस। अगर आप सर्विसेज के लिए देते हो, ठीक है, अगर आपकी बाइक है, ठीक है, अगर आपकी जो बाइक है ना, बाइक वो आपको अभी के लिए एवरेज दे रही है, स्टार्टिंग में जब आपने नया लिया तब 50 दे रही थी, ठीक है, बट अभी आपको एवरेज दे रही है 30 का। फिर आपने क्या किया, फिर आपने सर्विस में डाला, सर्विस करवाते हो आप हर 2 महीने 3 महीने के बाद, अगर आपने सर्विस के लिए डाला और वो सर्विस करने के बाद आपका, ठीक है, आपका जो एवरेज था वो फिर से 50 तक मेंटेन हो गया, ये क्या हुआ, आपका 50 जो ओरिजिनल आपको मिल रहा था उतना क्या हुआ, मेंटेन हुआ, ठीक है। तो मेंटेन जहां पे भी वर्ड आता है, किसी चीज को मेंटेन करने के लिए अगर अपन एक्सपेंस करेंगे तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। मेंटेन करने के लिए साफ सफाई करना, सर्विसेज करना, ठीक है, वो सब क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। बट जब वो आपका इंप्रूव करता है, जब आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक की एवरेज अभी 30 आ रही है, ठीक है, नॉर्मली आपकी 50 आती है, अगर आप सर्विस करवाते हो 50 आती है, तो मतलब वो मेंटेन हुआ, 50 जो आती थी वही आ रही है, ठीक है, जो कम हुई थी वो रिस्टोर हो गई। बट आपने कुछ ऐसा एक्सपेंस करवाया, वो बंदा आपको कॉल करके बोलता है कि भाई पेट्रोल का दाम वैसे भी बढ़ गया है, ठीक है, तू 3 के पीछे तो भाग रहा है, एक हाथ में आ नहीं रही है, अब तेरे को चाहिए पेट्रोल ज्यादा, एक काम करते हैं, ठीक है, तू घर का है तो मैं आपको तेरे को बता देता हूं कि अगर तू 1000 रुपए का एक चॉक डलवाएगा, ठीक है, एक फिल्टर डलवाएगा, तो तेरी जो एवरेज 30 की है वो हो जाएगी सीधी 70 की। कितनी हो जाएगी भैया,
सीधी एकदम से 70 हो जाएगी। तो ये आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, जो नॉर्मली 50 देना चाहिए उससे भी ज्यादा आपको दे रहा है। यानी कि ये क्या हुआ बेटा, ये आपका हुआ कैपिटल ट्रांजेक्शन। जैसे कि आपका लैपटॉप होता है वो हैंग होता है तो हम क्या करते हैं, रैम को इंक्रीज करवाते हैं। रैम इंक्रीज करवाने से क्या होता है, परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो जब भी आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, तो जहां पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आपको दिया है और वहां पे वर्ड लिखा हुआ है मेंटेन, ठीक है बेटा, उसका मतलब ये होता है मेंटेन अगर आएगा तो आपका होगा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अगर आपका आएगा इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, तो वो आपका आएगा कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्या तीन चीजों में समझ आई? अगर यस तो कमेंट में 3 करिए, अगर नहीं तो रिपीट करना है तो बताइए, और बाकी लाइव को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे को तो समझ में आया है कि लाइव में कितने स्टूडेंट अटेंड करते हैं। हाँ, इंक्रीज एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी लिखते हैं, परफॉर्मेंस में आपका दिमाग ना कहीं और जाएगा, मेरे को पता है। रामी बंदे साहब एफिशिएंसी भी या लिखने दो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ए, किसको भूख लग रही है, खाना भेजू क्या इधर से? अरे भूख लग रही, ठीक है। कैसे बंदे हो भाई, ये मूवी देखने आए हो क्या कि भूख लग रही है, चलो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं, ठीक है, चलो आ जाइए। अब अपन बात करते बेटा फोर्थ वन की, अगर मैं बात करूं आपके लिए, दैट इज फोर्थ वन आपका है इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि अगर कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसके आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस और आपका जो रेवेन्यू जनरेशन लगभग लगभग सिमिलर टाइप का रहता है, ठीक है। अगर मैं पर्पस ऑफ एक्सपेंस की बात करूं तो मैंने जिसमें ये वाला जो पॉइंट लिखवा है ना, इंप्रूव योर परफॉर्मेंस या फिर एफिशिएंसी, वो और जनरेशन ऑफ रेवेन्यू ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे कि आपका कोई मशीन है, अभी आपका 100 यूनिट क्या कर रहा है बेटा, अभी आपका 100 यूनिट आपको दे रहा है, ठीक है, आपको आउटपुट दे रहा है, बट आपने कुछ ऐसा एक्सपेंस करवाया जिससे वो आउटपुट जो आपका 100 आ रहा था वो अभी 150 या 200 हो गया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि आपने एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपेंस किया है जिससे आपका रेवेन्यू जनरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो उसे हम कौन सा एक्सपेंस बोलते हैं, उसे हम कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपका रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो आपका कौन सा बनेगा बेटा, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बनेगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी अभी नए जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी इस लाइव सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस लाइव से, मेरे को समझ में आया यार कि बेटा स्टूडेंट्स कितने अटेंड कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, तो लाइक जरूर से कर दीजिए, ठीक है। कंजूस मत बनिए, वैसे कंजूसों को गर्लफ्रेंड भी नहीं मिलती है, ठीक है, तो कंजूस बनोगे ना तो भैया ऐसे ही रह जाओगे। अब सुनो, अभी तक हमने क्या पढ़ा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पीएनएल बनाना, और उसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। वेल्थ को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट को देखना, और बैलेंस शीट यानी आपका दिखाता है पोजिशन ऑफ द बिजनेस। फिर हमने देखा कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। ओके, नाइट बोर्ड सबको इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है भैया, हमारा नाइट बोर्ड है भैया, एक स्पेशल सर्विसेज देता है आपको, एकदम से स्पेशल फील करवाएगा, ठीक है, एकदम स्पेशल फील करवाएगा कि नहीं भैया हम भी है। ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें जो आपको लेफ्ट साइड पे मिलती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं एट अ कॉस्ट, रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, मतलब आपका जो खर्चा हुआ वो। सेल को आप रिकॉर्ड करते हो एट अ सेल वैल्यू, ठीक है। आउटफ्लो ऑफ गुड्स अदर देन सेल को आप रिकॉर्ड करते हो एट अ कॉस्ट, एंड क्लोजिंग स्टॉक को आप रिकॉर्ड करते हो कॉस्ट और एनआरपी व्हिचएवर इज लोअर।
कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन को इसके लिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि कैपिटल ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा कुछ रूल्स कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सा है। ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन कौन सा है वो अपन यहां पे देखा बेटा। रूल्स अगर बात करें तो सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस, फिर हमने देखा रिकरिंग नेचर। ठीक है, नेचर ऑफ द बिजनेस यानी कि अगर फर्नीचर का मैं बिजनेस कर रहा हूं तो फर्नीचर इज गुड्स फॉर मी, बट अगर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं टू यूज तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, वो मेरे लिए हो जाएगा कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे लिए असेट बनेगा। रिकरिंग नेचर की बात करें तो रिकरिंग यानी कि अगर बार बार अगेन एंड अगेन वो एक्सपेंस इनकर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन बात करें बेटा, अगर वो ट्रांजेक्शन ऐसा है जो बार बार इनकर नहीं होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। अगर रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन का एग्जांपल दो रिकरिंग नेचर के बारे में तो वो हो जाएगा सैलरी हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, वेजेस हो जाएगा, परचेज हो जाएगा, सेल हो जाएगा, सब आ जाएगा भैया रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में, क्योंकि वो रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन है। जबकि बात करें कि कैपिटल ट्रांजेक्शन की लोन का लेना, असेट का परचेज करना, वो सब चीजें क्या होती है बेटा, वो आपके लिए होती है नॉन रिकरिंग नेचर, इसीलिए हम उसे बोलते हैं कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन। हाँ, मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो सारा सीएसीएमए फाउंडेशन का पूरा मिल जाएगा एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो मैं बना दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अभी पहला दिन है तो थोड़ा बहुत मेरे को ये हड़बड़ाहट में सब सेट करना बाकी है, बट गिव मी 2-3 डेज मतलब टिल संडे सब एडजस्ट हो जाएगा पूरा फुल्ली। ठीक है, हाँ प्लेलिस्ट बना देंगे। और ये कहते कि आपको भैया फुल्ली फ्री आपको अकाउंटेंट कॉस्टिंग करवाएंगे। ठीक है, फुल्ली फ्री आपको अकाउंटेंट कॉस्टिंग एटलीस्ट 2 मंथ्स के बिफोर आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। इस सेशन को शेयर करिए, ठीक है, और जरूर से ज्वाइन करिए। हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपके बच्चे के 95 नहीं आ जाएंगे अकाउंट्स में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपके तो अभी आ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका आता है पर्पस ऑफ द एक्सपेंस। अगर आप मेंटेन करने के लिए किसी चीज को मेंटेन मतलब जैसा है वैसा लॉन्ग टाइम तक रहे, अगर मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस कर रहे तो उसे बोलेंगे रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल ट्रांजेक्शन। जैसे कि लैपटॉप में रैम डलवाना आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो कैपिटल ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप सिर्फ ऐसे ही सर्विस करवाते हो लैपटॉप का, ठीक है, 200-500 रुपए देके तो वो मेंटेन करने के लिए देते हो तो वो क्या हो जाएगा बेटा, हाँ ट्रू फॉल्स में मिल सकता है, ट्रू फॉल्स में बेटा मिल सकता है आपको। ठीक है, आपको ट्रू फॉल्स में मिल सकता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन रेवेन्यू है, कौन सा ट्रांजेक्शन कैपिटल है। ठीक है, नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसमें से कोई रूल भी आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो सीए फाउंडेशन की बात करूं, सीएमए फाउंडेशन की नहीं, सीए फाउंडेशन में पहले 6 जो क्वेश्चन होते हैं 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स होते हैं, उसमें से इसमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक, फिर आपका इफेक्ट होना रेवेन्यू जनरेशन, अगर आपका वो रेवेन्यू जनरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर इंप्रूव हो रहा है तो वो आपका बनेगा कैपिटल ट्रांजेक्शन। अगर लिखना है तो जल्दी से लिख लीजिए, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, तब तक मैं आपसे थोड़ी बात भी कर लूं। आ जाइए भैया, कितने सीए वाले हैं, कितने सीएमए वाले, एक बार कमेंट कर दो अपनी डिग्री के साथ, अपना नाम लिख दीजिए और उस नाम को देखिए, जैसे कि सीए प्रतीक ठक्कर, सीएमए प्रतीक ठक्कर, ठीक है, वो नाम लिखिए और उस चीज को देखिए फिर फॉर 3 सेकंड्स और उसे फील करिए भैया क्या मजेदार चीज है, एक बार करके देखिए। हाँ, मैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सबको समझा दूंगा, सीएमए वालों को, सीए वालों को भी, ठीक है, उसके लिए स्पेशल सेशन अरेंज करेंगे। और हमरा बोट ना लेजेंड है, आप हाई लिखोगे ना तो आपको पूरा वेलकम करेगा चाय नाश्ते पानी के साथ, सीएमए विशाल, हाँ पूरा एमसीक्यू है सीएमए। हम क्वेश्चन भी करवाएंगे, समझाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे और तगड़े क्वेश्चन भी देंगे कि आप बोलोगे सर बहुत घुमा रहे हो। सीएमए पवन, सीएमए शिवम, सीएमए करिश्मा, सीएमए अनिका श्री, हेलो गौतम, सीएमए अचीन, सीएमए मृगांशी, सीए यश कोश्ती, सीएमए निशान, सीएमए नीलाक्षी, सीएमए गौरव, सीएमए ऋतिक, ओ गौरव वेलकम बेटा, सीएमए विशाल, सीए गौरव, अहमदाबाद में कहां से हो, अहमदाबाद में हम रहते हैं गुरुकुल रोड पे, सीएमए संचित, सीएमए खुशबू, सीएमए नंदिनी, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, अभी तक आपका लेख नहीं हुआ, परफेक्टली दिख रहा है आपको सभी चीजें, ठीक है, लिखना हो तो लिख लीजिए, सीए अनुज लिख लिया आपने सब कुछ तो मैं आगे बढ़ू। विशाल, विशाल हाई लिख रहा है भाई, तेरे को कितनी बार चाय नाश्ता चाहिए, विशाल ने 5 बार हाई लिखा भाई, 5 बार तो चाय नाश्ता कर लिया, फिर दूसरों को भी देना होता है यार,
ये नाइट बोट हर बार विशाल को बोल रहे हैं हाँ भाई आ जा, ठीक है, ये ना मजे ले रहे हैं, देखो नाइट बोट के मजे ले रहे लोग, ठीक है, एक सेकेंड, नाइट बोट के भी मजे ले रहे थे, किस उसको भी नहीं छोड़ रहे भाई, मतलब वो आपकी क्रश गर्लफ्रेंड, मतलब आपकी क्रश अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रही, उसका मतलब ये नहीं कि मेरे नाइट बोट को भी आप ऐसे परेशान कर दो, वो बेचारा फिर बोल देगा भैया मैं नहीं खेल रहा, मैं जा रहा हूँ घर पे, जिनको जो करना है करो। बोट का टेस्टिंग चल रहा है, ठीक है, अभी ना मैं ना कुछ कॉमेडी कॉमेडी भी ऐड कर दूंगा बोट में, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ऐसा पूछिए तो आपको आंसर देगा, ठीक है, तो मैं शेट करूंगा, टेंशन मत लीजिए, वो भी मेरे ध्यान में है, आपके लिए करना है वो भी, ठीक है। और मेरे को ये बताओ अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट हैं, काफी स्टूडेंट हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 28 स्टूडेंट्स मेरे को दिखा रहे हैं, बट आपने अभी अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई, मतलब लाइक नहीं किया क्या सेशन को? ओ हो गया, नहीं 30 नहीं, मेरे में अपडेटेड नहीं बता रहा था, सॉरी। ये क्यूट है, इससे भी क्यूट बनाएंगे, अल्लाह अभी गिर जाता, अल्लाह मेरा मोबाइल अभी जाता काम से, ठीक है, बच गया, चलो आ जाओ अभी आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए, अगर नो डाउट तो कमेंट में एंड ही कर दीजिए, और मैं इंपोर्ट कर लेता हूं बुक को और शुरुआत करते हैं अमेजिंग क्वेश्चन से, थोड़ा बहुत बुक को भी देखना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इस नोट को मैं अलग रखता हूँ और नए से बुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ, आ जाइए, ठीक है, किधर है भाई, टीचिंग टीचिंग टीचिंग, किधर गया, किधर गया, ये रहा, ठीक, क्या है भाई, ठीक है, सी ए सी ए में सबका बुक एक है, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, नो डाउट, थैंक यू सो मच, चल आ जा, बुक को कर लेते हैं इंपोर्ट, एक सेकंड के लिए रुक जाओ, अरे हाँ ये मैंने सब्सक्राइब वाला जो कमेंट किया है ना कि योर नेम विल बी शोन ऑन अ स्क्रीन इफ यू विल सब्सक्राइब, ठीक है, अभी मैंने वो ऐड नहीं किया है, तो मैं ऐड कर दूंगा, वो टेंशन मत लेना, वो भी आ जाएगा आप में, ठीक है, मतलब आप जैसे ही सब्सक्राइब करोगे ना आपका, मतलब अभी तो कर दिया है ना, तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो भैया आ जाइए, स्क्रीन इज विजिबल परफेक्टली, कमेंट में वाई कर दीजिए, ठीक है, यस परफेक्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के ट्रांजेक्शन आपको दिए हुए हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ठीक है, कैपिटल ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन होता है, ट्रांजेक्शन हैविंग लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ठीक है, क्या होता है भैया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपके लिए होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन, अगर रेवेन्यू ट्रांजेक्शन की बात करें तो उसे कौन सा इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट, ठीक है, उसका होता है शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अपन देखें तो सैलरी होती है भैया शॉर्ट टर्म, वन मंथ के लिए दिया है, बात खत्म हो जाएगी, रेंट होता है, ठीक है, आप कहाँ पे रहते हो अभी, आप क्या बोलते हैं, मियाँ कहाँ, बुर्ज खलीफा, भैया क्या दिमाग में, आप ना, आप जैसे बैठता हो ना तो आपके साथ तो कुछ भी निकल जाता है मेरे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बुर्ज खलीफा में अगर आप रहते हो रेंट पे, ठीक है, तो वो रेंट जो आप देते हो, आप जब रेंट देते हो, ठीक है, उसके ओनर को यानी कि खलीफा को, अगर आप खलीफा को रेंट दोगे तो मेरे को ये बताओ बेटा, वो जो रेंट होगा, वो रेंट होगा उसी शॉर्ट टाइम के लिए होगा, जितने टाइम का दिया उतना ही महंगा महीने का होगा, ठीक है, उतना ही टाइम आप उसको एंजॉय कर पाओगे, ऐसा तो नहीं कि भैया खलीफा मैंने आज तेरे को पैसा दिया है, ठीक है, तो मैं तो एक साल के लिए यूज करूंगा, भैया ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, वो जिस टाइम का दिया उसी टाइम का होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म की बात करें तो एसेट का परचेज करना, लोन लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाइए नेक्स्ट, अपन बात करते हैं कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन के बारे में बात करते हैं, अब मैंने ये भी आपको जिन्होंने आगे का एक सेशन देखा हुआ है नॉट ऑन यूट्यूब बट ऑन अदर प्लेटफॉर्म, तो उनको मैंने ये भी समझाया था कि असेट की चीजों में कौन से आपके कैपिटल ट्रांजेक्शन में एड हो जाते हैं, तो अभी मैं आपको वो करवा देता हूँ कि असेट में आपका कौन सा ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो मैं नोट्स का अलग से बना रहा हूँ,
नोट्स का मैं अलग से, अगर मैं इसको एज अ पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर पाता हूँ, मेरे को नहीं पता इस सॉफ्टवेयर में होता है कि नहीं होता, अगर एज अ पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर पाता हूँ तो मैं वो आपको पीडीएफ पूरी ये राइटिंग वाली शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, मैं देख लूंगा एक बार। ठीक है, अब बात करते बेटा, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में कि अगर हम असेट को परचेज करते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो अपन कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं असेट के बारे में बेटा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो कौन सी चीजें यहां पे अपने को ऐड करनी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें तो वो आपका जो परचेज कॉस्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है, जो आपका परचेज कॉस्ट हो जाएगा वो भी आप इसमें ऐड करोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपका जो परचेज का जो कॉस्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते बेटा, इट्स योर परचेज कॉस्ट, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर परचेज कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद कौन सा होता है बेटा, उसके बाद कौन सा होता है, एक और खर्चा अपन बने तो, अगर परचेज कॉस्ट के बाद अगर मैं बात करूं तो डिलीवरी एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंसेस फॉर असेट, असेट को डिलीवरी करने के लिए। ठीक है, ये कौन स्पैम कर रहा है बेटा, लर्निंग आई एम सॉरी बट आई हैव टू टाइम आउट यू फॉर 5 मिनट्स आई थिंक, हाँ मे बी 5 मिनट्स, सॉरी बेटा। ठीक है, हाँ इंस्टॉलेशन का भी होता है, सुपर, और कौन सा होता है बताओ, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस और कौन सा होता है, आपको क्या क्या दिमाग में आता है, मैं समझाएगा, ठीक है मैं सब समझाएगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, फिर कौन सा होता है, हाँ इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा करना पड़ता है, और बताइए अगर आपको दिमाग में आ रहा है कोई, डिमोलिशन, सुपर, डिमोलिशन का मतलब किसी को बताया क्या, डिमोलिशन का मतलब किसी को बताया क्या, डिमोलिशन का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, रिमूव, फिर अपन बोल सकते हैं बेटा साइट प्रिपरेशन एक्सपेंस, साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, सुपर, हाँ वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन आ गया, हाँ आ गया वेजेस ऑन इंस्टॉल, हाँ मतलब इंस्टॉलेशन के खर्चे में वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है अपने को, और बताइए। ठीक है, और ट्रांजेक्ट, एक ट्रैवलिंग के लिए अगर मैं ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपना बिजनेस कर रहे हो सुपर तरीके से, अमेजिंग तरीके से, ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ कि आप जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं घूमने जाते हो गोवा, ठीक है, क्या मेरे को ये बताओ वो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस क्या वो आपका कैपिटल नेचर का बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बताओ क्या वो बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बताइए। ऑब्वियसली नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वो आप भैया अपने अपने मजे के लिए गए हो, बिजनेस के मजे के लिए नहीं गए, और अगर बिजनेस के मजे के लिए भी गए होते तो भी भैया वो असेट में नहीं आता जब तक स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि वो क्या है भैया, वो आपका कैपिटल असेट के लिए, आपने असेट को परचेज करने के लिए लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रैवलिंग किया, ट्रैवलिंग फॉर असेट, ठीक है, आपने क्या किया है, अगर मैं बात करूं ट्रैवलिंग टू परचेज असेट, क्या मुझे ये बताओ ये ट्रैवलिंग का खर्चा इसमें ऐड होगा कि नहीं, ये बताओ ये ट्रैवलिंग का खर्चा इसमें होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं अगर इंप्रूवमेंट कॉस्ट, सुपर किसी ने कमेंट किया था अभी अभी, हाँ संजय बहुत बढ़िया, कौन सा आएगा बेटा, इंप्रूवमेंट कॉस्ट। ठीक है, मगर जैसे आप इंप्रूव कर रहे हो, एफिशिएंसी बढ़ाने की बात करी थी, ठीक है इंप्रूवमेंट कॉस्ट। अगर हम बात करें उसके अलावा कोई और अगर आपको याद आते तो बता सकते हो, लीगल कॉस्ट, लीगल कॉस्ट,
मैं हर कॉस्ट को एक बार समझाऊंगा आपको, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ लिख रहा हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बताओ और कोई बाकी आगे? आर्किटेक्ट फी अगर हम बात करें, ठीक है, तो आर्किटेक्चर की आप जो फी करोगे, ठीक है, वो भी आपको इसमें लेनी पड़ेगी। और कोई खर्चा अगर आपको याद आ रहा है जो मेरे को लिखना बाकी है? लगभग सभी चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। लीगल सब समझा रहा हूं, सब समझा रहा हूं, सब खर्चे का मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, ठीक है। अब आ जाओ सब खर्चे की बारी बारी बात करते बेटा, कि कौन सा आपका खर्चा जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ असेट में आएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ असेट का मतलब ये होता है कि आप इसको कहां पे लिखोगे। कॉस्ट ऑफ असेट को आप लिखोगे किधर बेटा? सुपर, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा बेटा, विशाल एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। कहां पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा, ये वाला। और इसे हम क्या बोलेंगे? कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अगर आप कोई असेट परचेस करते हो तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आपने कोई असेट परचेस करी जिसमें आप, ठीक है, जिसमें आप टमाटर डालोगे और डायमंड निकलेगा, क्या होगा? आपने कोई ऐसी असेट परचेस की बेटा जिसमें आप टमाटर डालोगे और डायमंड निकलेगा, वैसे नींबू भी हो सकता है क्योंकि वो भी अभी, ठीक है, थोड़े से एटीट्यूड में चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप क्या करोगे, टमाटर डालोगे और डायमंड निकलेगा, अगर आपने ऐसा आपको असेट परचेस करनी है तो आपने सोचा कि यार ये असेट ना एकदम सुपर्ब है, ठीक है, तो मैं तो टमाटर डालता रहूंगा जिंदगी भर और इधर से डायमंड लेता रहूंगा, ठीक है। तो आपने सोचा कि इसकी परचेस क्या है, तो आपने देखा कि भैया इसकी ना कॉस्ट में देख रहा हूं सर, इसकी कॉस्ट मेरे को लग रही है, फॉर एग्जांपल इट्स 5,75,000, ठीक है। आपने ये सोचा इतना आ रहा है, ठीक है। फिर आपने सोचा, आपने कॉल किया जियो, जी कंपनी थी उसको आपने कॉल किया, ये कंपनी कहाँ पे थी भैया? ये कंपनी आपकी थी कहाँ पे रखेंगे, ठीक है, थाईलैंड में आपकी कंपनी थी, अब दुबई में रख लेते, दुबई में आपकी कंपनी थी। आपने उसको बोला कि भैया मेरे को ना ये चाहिए, मेरे को चाहिए। उसने बोला कि डिलीवरी एक्सपेंस आपका लगेगा टोटल 25,000 का। आपने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आप मेरे को भेजो, कोई इश्यू नहीं है, मेरे को चाहिए, ठीक है। फिर उसने बोला कि अब आपने सोचा कि यार अगर मैं परचेज यहाँ पे कर लूंगा, ठीक है, परचेज कर लूंगा, बट परचेज करने के लिए मुझे ना एक बार ना वहां पे विजिट करना है, मेरे को एक बार रूबरू में देखना है कि क्या सच में टमाटर डालने से डायमंड निकलता है कि नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपने सोचा नहीं यार मेरे को दुबई तो विजिट करना है एक बार, ठीक है, वहां पे आप खलीफा को भी मिल लेते तो आपका पर्पस तो काफी बड़ा था, ठीक है। तो आपने सोचा कि नहीं यार मैं ना एक बार असेट को देखना तो जरूर से चाहता हूँ। तो आप वहां पे गए और वहां पे आपने देखा कि नहीं यार मस्त है, ठीक है। तो आपने ट्रैवलिंग का खर्चा टोटल कर दिया 78,000 का। तो ये खर्चा भी आपका कैसे होगा बेटा? असेट में गिना जाएगा। रीजन, आपने ये ट्रैवलिंग किया टू परचेज द असेट। अगर आपको असेट को परचेज नहीं करना होता तो क्या ये आप एक्सपेंस करते कि नहीं करते? नहीं करते, सिंपल सी बात है, ठीक है ना बेटा। तो ये अगर अपन एक्सपेंस करते ही नहीं, अगर अपने को परचेज नहीं करना होता तो ये स्पेसिफिक असेट के लिए है, तो ये कहां पे जाएगा बेटा? आपका असेट की कॉस्ट में जाएगा। फिर आपने मंगवा भी लिया, डिलीवर भी हो गया। अगर मैं बात करूं तो आपको वहां पे, ठीक है, आपको जहां पे इंस्टॉल करना था वो इंस्टॉलेशन की जगह पे ऑलरेडी एक मशीन लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जगह है, ठीक है, आपको यहां पे इंस्टॉल करना है, बट यहां पे ऑलरेडी एक असेट लगी हुई है, तो पहले आपको इस असेट को हटाना पड़ेगा। ये असेट को हटाना क्यों है? क्योंकि आपको नई असेट को लगाना है। तो इसे बोलते हैं डिमोलिशन कॉस्ट और रिमूवल कॉस्ट। यानी कि आपको ऑलरेडी कोई असेट लगी हुई है, उसको हटाना है, ठीक है, उसको आपको रिमूव करना है, तो उसकी कॉस्ट भी आपकी कहां पे जाएगी बेटा? असेट में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कॉस्ट लग रही है 5,000 रुपीज, तो ये भी आपकी जाएगी असेट की कॉस्ट में, यानी ये भी आपका बनेगा कैपिटल ट्रांजेक्शन का, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा 5,000 रुपीज। फिर आपको बोलते कि अब साइट प्रिपरेशन, साइट प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका प्लॉट पड़ा हुआ है, ठीक है, एक जमीन पड़ी हुई है, बंजर जमीन है, अब वहां पे काफी सारे ना अननेसेसरी चीजें, वहां पे कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है, या कुछ चीजें वहां पे पेड़ बेट छोटे मोटे उग गए हैं जो आपको नहीं पसंद है, जो आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। अगर आपको वहां पे शॉप बनानी है या फिर घर बनाना है, ठीक है, कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो अगर आपको वहां पे बनाना है तो उसको आपको साइट को क्लियर करना पड़ेगा, तो उसे बोलते हैं साइट प्रिपरेशन और साइट क्लियरिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन की जगह पे मैं क्लियरिंग भी लिख देता हूं, इसे क्या बोलते हैं? साइट प्रिपरेशन या फिर साइट क्लियरिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल वो आपका लग गया 2,000 रुपए, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बेटा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। अगर आपको वो जो
आप टमाटर डालोगे तो डायमंड निकलेगा, उसको आपको इंस्टॉल भी करवाना पड़ेगा क्योंकि आपको पता नहीं है भैया उसको पहले यहाँ पे फिक्स करवाएंगे, इसको आपने हटा दिया ठीक है, हटाने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने का जो भी खर्चा आएगा वो भी आपका कहाँ पे आएगा बेटा, वो भी आपका इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, कॉस्ट ऑफ असेट में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन का खर्चा आपका हुआ है 3000 रुपीज। उसके बाद अपन बात करते हैं इंप्रूवमेंट कॉस्ट, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, कुछ आपने पार्ट डलवाया, फिल्टर डलवाया, जिससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है परफॉर्मेंस, तो वो भी उसे भी आप कहां पे लोगे, कॉस्ट ऑफ असेट में लोगे। फॉर एग्जांपल इंप्रूवमेंट का खर्चा आपने लिया हुआ है 8000 रुपीज ठीक है, इसको हम क्या कर देते बेटा 8000 रुपीज। कहीं भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला रिपीट करिए, आप इसका नाम लिखिए और उसके बाद बाजू में आप क्या कर दीजिए आर लिख दीजिए, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आप इस चीज को रिवाइज करना चाहते हैं। फिर अपन बात करते हैं लीगल कॉस्ट, यानी कि अगर मैंने बिल्डिंग परचेज की ठीक है, तो मेरे लिए कैपेसिटर एसेट है, उसकी परचेज कॉस्ट मैंने ले ली, बट अब उसको मुझे अपने नाम पे लीगल अपने नाम पे भी करवाना पड़ेगा, तो जो लीगल खर्चा होगा वो भी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ असेट। जैसे कि आप बाइक परचेज करते हो, टू व्हीलर परचेज करते हो, तो अपने नाम पे नहीं करवाना पड़ता ठीक है, तो वो खर्चा भी क्या होता है, जैसे कि आप शादी करते हो तो बीवी को अपने नाम पे नहीं करवाते, मतलब क्या बोलते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दो ना भैया, तो मैरिज का ही खर्चा है ना। सेम तरीके से अगर आप कोई एसेट परचेज करते हो और अपने नाम पे करवाने के लिए वो खर्चा जो लीगल कॉस्ट करते हो उसे भी क्या बोलेंगे भैया, कॉस्ट ऑफ असेट में बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 12000 रुपीज ठीक है। और उसके बाद अपन बात करते हैं ठीक है आर्किटेक्चर फी, मतलब आपको कुछ बिल्ड करना है और आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ती है, तो वो भी आपका खर्चा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट में माना जाएगा। समझ आ रहा है सभी ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल 4000 रुपीज। अब बात करते हैं ट्रायल रन एक्सपेंस, एक और खर्चा आपका इसमें ऐड हो जाएगा, दैट इज ठीक है एक सेकंड, ठीक है ओके आ जाओ ठीक है। फिर हम बात करते हैं ट्रायल रन एक्सपेंस ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ट्रायल करने के लिए ठीक है रॉ मटेरियल डाला ठीक है, उसमें से कुछ नुकसान हुआ, जो खर्चा हुआ ट्रायल रन करने का फॉर एग्जांपल वो आपका हो गया 2000 रुपए ठीक है। अब आपने ट्रायल रन किया तो कुछ तो बना होगा भैया, डायमंड नहीं बना तो कुछ नहीं, टमाटर तो टमाटर के छिलके तो निकलेंगे, तो आपने 2000 रुपए के टमाटर डाल दिए ठीक है, बट उसमें से एक भी आपका डायमंड नहीं निकला, तो इसमें से ट्रायल रन एक्सपेंस हुआ 2000, बट उसमें से आप कुछ तो निकलेगा ठीक है, कुछ तो निकलेगा, उसको आप सेल भी कर पाओगे, तो उसे हम बोलते हैं भैया स्क्रैप, या फिर जो भी आप बोलो बाय प्रोडक्ट या स्क्रैप बोलो ठीक है। तो उसका जो ट्रायल रन के कारण आपकी जो इनकम होती है, मतलब जो बेचते हो आउटपुट को, तो उसे हम क्या करते हैं, लेस करते, क्योंकि वो आपकी हो जाती है इनकम, तो उतना खर्चा हो जाएगा कम, तो यहाँ पे हो जाएगा लेस करके आ जाएगा ठीक है, लेस लेस करके सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 500 रुपए के टमाटर आपको निकले ठीक है, तो यहां पे आपका नेट एक्सपेंस हो जाएगा 1500 रुपए ठीक है, पैसा बर्बाद हो गया ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि टोटल खर्चा कितना हो रहा है, ये टोटल खर्चा कितना हो रहा है परचेज कॉस्ट का बताइए, 5,75,000, 25,000 मतलब 6,00,000, 6,300, 6,800, 6,800 और 688 फिर कितना हो रहा है 696, 713,500 क्या ये सही है, यहाँ पे मुझे ऋतिक ने बताया हुआ है, क्या ये सही है, कंफर्म करिए एक बार। ए संचित बोल रहा है 716, भाई लोग सही से करो, आप ना मेरे को मजबूर करवाओगे भाई, पीछे 500 तो आएगा क्योंकि 500 तो इसमें है 1500, बताओ एक बार 713,500 या 716। अरे बाप रे, आपका ना ट्रस्ट भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं। ओ भाई ऐसे मत करो, मेरे को प्लस माइनस सिखाना है क्या तेरे को, ठीक है चल कितना हो रहा है, या ना मेरा कमेंट ना आपका 20 सेकंड लेट चल रहा है आपका कमेंट,
मेरे को वेट करना पड़ता है। रुको भाइयों बहनों, मैं खुद कर लेता हूं, धन्यवाद आप सभी का। 575 फिर 25,000 फिर आपका हो जाएगा 8,000 ले लेता हूँ 3 and 5 फिर हो जाएगा 2,000 आपका हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा 78,000 फिर आपका हो जाएगा 8,000 देन आपका हो जाएगा 12,000 देन 4,000 देन आपका हो जाएगा 1,500 1,13,500 ऋतिक ठीक है 7,13,500 सही है ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ असेट, यानी कि ये सारा खर्चा आप कहां पे डालोगे पता है, बैलेंस शीट में डालोगे असेट में। और आप अब मुझे ये बताओ आप डेप्रिसिएशन कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे, डेप्रिसिएशन 575 पे करोगे या 7,13,500 किस पे करोगे बताइए। हेलो श्रुति बताइए किस पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, ठीक है ऑब्वियसली 7,13,500 पे ही आप क्या करोगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। तो ये बात आपको समझ में आती है बेटा, ये जितने भी खर्चे वो कहां पे जाएंगे, कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन में जाएंगे। यहां तक अपन ने क्या सीखा, यहां तक अपन ने देखा बेटा कि कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएनएल बनाते हैं, उसको परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस बोलते हैं। वेल्थ को आइडेंटिफाई करने के लिए बैलेंस शीट बनाते हैं, उसे पोजीशन ऑफ द बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में अल्लाह बीच में कहां से आ गया बीच में, ठीक है कोई बात नहीं चलो आ जाइए। रूल्स टू डिसाइड द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, उसके लिए हमने कुछ चार रूल्स देखे अभी तक, ठीक है। नेचर ऑफ द बिजनेस देखना बहुत जरूरी है, रिकरिंग नेचर, पर्पस ऑफ द एक्सपेंस, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेशन। फिर हमने देखा बेटा कि कॉस्ट ऑफ असेट में क्या क्या चीजें आपको यहां पे ऐड होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा 100 रन के लिए, और आपका कैपिटल जो ट्रांजेक्शन हो जाएगा लॉन्ग रन के लिए, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये नोट बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले ये लिखो, फिर ये पेज लिख लीजिए, फिर आप ये दो चीज बीच में ऐड कर दीजिए, और फिर आप कॉस्ट ऑफ असेट लिख लीजिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद हम कल क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कल हम करने वाले बेटा, कल हम करने वाले आपके क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़े बहुत ट्रांजेक्शन को समझा दूंगा, जितने भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको समझाने की जरूरत है वो मैं आपको समझा दूंगा, कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, सीए की बुक से भी मैं उठाऊंगा, सीएमए की बुक से भी मैं उठाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपके सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको एक बुक बनवाऊंगा जिसमें 4 pages लगेंगे आपके, सॉरी 3 pages लगेंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको लिखवाऊंगा रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, तो आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा, ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ये रेवेन्यू, ठीक है। और फिर आपका आ जाएगा कैपिटल ट्रांजेक्शन जिसमें पूरा लिस्ट। अब इससे ईजी क्या होगा पता है, आपको सिर्फ यही पढ़ना है, जब आपको रिविजन करना है तो पहले वाली जो मैंने नोट्स लिखवाई उसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद रेवेन्यू ट्रांजेक्शन में मैंने अगर आपको 40 ट्रांजेक्शन लिखवाए, ठीक है, तो 40 ट्रांजेक्शन आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये 40 वाले ना रेवेन्यू है, आपको पूरे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे सिर्फ ना ये 2 pages पढ़ लोगे, सारी बात खत्म हो जाएगी। कैपिटल ट्रांजेक्शन में देख लोगे, ओके ये ट्रांजेक्शन कैपिटल वाला है, ये भी कैपिटल वाला, आपका रिविजन नोट भी यहीं पे बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीज करनी है, बट ये चीज मैं कब करवाऊंगा, लास्ट लेक्चर जब होगा अपना इस चैप्टर का, मतलब लगभग 3 to 4 sessions लगेंगे, आज का पहला हो गया, अभी लगभग नेक्स्ट 3 sessions लगेंगे, तो लास्ट वाला जो सेशन होगा उसमें मैं ये रिवीजन नोट भी आपको लिखवा दूंगा, हर ट्रांजेक्शन रेवेन्यू में कौन सा लिखना है, कैपिटल में कौन सा लिखना है। तो आपका पूरा 2 pages के अंदर आप पूरा चैप्टर आ जाएगा, फिर आपको पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी स्मार्ट तरीके से ही अपन पढ़ने वाले हैं, स्मार्ट तरीके से ही आगे बढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ठीक है। और आई होप आपको बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत और भी अपन टाइम जैसे जैसे लगेगा वैसे बढ़ाते जाएंगे। हाँ समरी पूरी आ जाएंगी, नंबरिंग करना है, नंबरिंग आप कर सकते हो 1, 2, 3, 4 आपको नंबरिंग लगता है ऐसा, ठीक है, ऐसे पेज पे मैं नंबरिंग कर दूँ ऐसा बोल रहे हो बेटा, ठीक है। ये हो गया 1, ये आपका हो गया 2, यहाँ पे आपका हो गया 3, यहाँ पे आपका हो गया 4, ठीक है। तो आई होप आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। कल के सेशन में और एंजॉय करेंगे, सेम इसी टाइम पे मिलेंगे 10:45 AM को,
टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ जरूर से सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप जरूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, और इसके बाद नया चैप्टर जल्द से जल्द शुरू करेंगे 4 दिन के बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद, और जैसे मैंने वादा किया 2 महीने के बाद एटलीस्ट बिफोर आपके एग्जाम के बिफोर आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और बोर्ड में चेंज करना है, ठीक है, बोर्ड में भी मैं चेंज करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है, बोर्ड में भी मैं जल्द से जल्द चेंज कर दूंगा, तो आपके मजे बोर्ड भी आपके मजे करवाएंगे, हम भी मजे करवाएंगे, बोर्ड भी मजे करवाएंगे, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज 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 ये लिख लेना, क्योंकि अगर आप नोट नहीं बनाओगे तो पढ़ोगे कहां से बेटा, बुक्स में पढ़ने जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच ऋतिक, मीनू, सोनिया, मैं एक बार देख लेता हूँ आपके नाम यहाँ पे कितने लोग हैं, संजय, ड्रैगन, अचिन, विशाल, ब्लेज, मीनू, संचित, आर्यन, गौरव, शिवम, ऋतिक, ओके, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर से करिए, अगर वो चाहते हैं कि सीए या फिर सीए में करना तो उनके साथ अकाउंट्स के ये सेशन जरूर से शेयर करिए, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट का भी कुछ जरूर से जुगाड़ हो ही जाएगा, अकाउंट्स के लिए आप जरूर से रिफर कर सकते हो। लेट्स लर्न, श्रेयस, गौरव, ड्रैगन, नीलाक्षी, संजय, कौशल, कुशल, शिवम, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। कोई भी सजेशन, कोई भी चीज अगर आप मुझे देना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन टेलीग्राम पे, आपको मेरा आईडी भी मिल जाएगा जब आप अबाउट सेक्शन में जाओगे, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर से शेयर करिए, आई रियली एंजॉय विथ यू, मुझे तो बहुत मजा आया, ठीक है, मुझे आप, मैं ना दिन का सबसे बेस्ट टाइम यही होता है कि मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, ठीक है, तो मुझे बहुत मजा आया, आई होप आप भी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किए हो। कल मिलते हैं एग्जैक्ट 10:45 को, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद। ओके अनिका, ठीक है, किसी का नाम रह गया होगा, आई एम सॉरी पीयूष, ठीक है, किसी का नाम शायद रह गया होगा, चलो थैंक यू सो मच, जय हिंद। और जिन कंजूस ने लाइक नहीं किया लाइक करिए, ठीक है।